गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में सबसे पहले आपको जानना है साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, एसी सिग्नल क्या होता है। तो ये सब जानने से पहले आप ये जानिए कि एसी सर्किट कैसा होता है या एसी सिग्नल कैसा होता है। तो जैसे कि मैं कोई एक वेव बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक का मान लो टाइम है टी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम है टी, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये एसी सिग्नल है। क्या है ये? है अल्टरनेटिंग करंट। क्यों है? क्योंकि ये हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। इस इंस्टेंट पर इतना वैल्यू है। मान लो ये करंट का ही ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, करंट है और ये वाला है टाइम। तो इस इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड इतना है, इस इंस्टेंट पर इतना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर उसके बाद कम हो रहा है। तो मतलब हर इंस्टेंट पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट पर फिर जीरो हो रहा है, फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग, एक बार पॉजिटिव जा रहा है, एक बार नेगेटिव जा रहा है। तो साइकिल किसको बोलते हैं, ये जो आपका हाफ पॉजिटिव हाफ बना है इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ। और ये एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ मिला करके साइकिल। और एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स कितना कंप्लीट हो पाया उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये टी टाइम पर कितना साइकिल हुआ, टी टाइम पर 1 साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/T, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जितने ये साइकल्स कंप्लीट होंगे वो आपका होता है फ्रीक्वेंसी। एसी सिग्नल, ये आपको समझ आ गया कि जो हमारा ये एसी सिग्नल है, वैसे ही अलग अलग सिग्नल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या फिर आप बोलो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, जैसे इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इतना हो गया। इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया इतना। इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया इतना। इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड हो गया इतना। तो अलग अलग टाइम पर मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। उसके बाद जो आपको जानना है वो है आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है जैसे ये है एसी सिग्नल, इसका ये जो मैक्सिमम है, तो आरएमएस वैल्यू होता है 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 1/ मैक्सिमम सिग्नल आई मैक्स बाय रूट टू। उसके बाद एक वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू, या फिर आप बोलिए पीक वैल्यू, या फिर और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस एसी सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जैसे ये है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव हाफ में, और वैसे ही इस इंस्टेंट पर
ये इसका पॉजिटिव वैल्यू है जिसको आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आरएमएस वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट टू, और 1/√2 मतलब होता है 1.732। ठीक है, तो साइकिल को डिफाइन करना है। सो तो आप बोलोगे इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ इन अन एसी सिग्नल। एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ एसी सिग्नल को हम लोग बोलते हैं साइकिल। टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन एसी सिग्नल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो आपका टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/T। हमारा इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। और इस 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो एसी सिग्नल का जो साइकिल है ये कितना कंप्लीट हो जाएगा? 50 साइकल्स पर सेकंड। मतलब घड़ी के कांटा में मान लो अगर 1 सेकंड का जो एक टिक है, एक टिक हुआ और आपका ये जो एसी सिग्नल है वो 50 साइकल्स कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 साइकल्स पर सेकेंड। एसी सिग्नल किसको बोलते हैं? ये वाला, इट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। इट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली वेरीज विथ टाइम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसी सिग्नल बोलते हैं। मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द इंस्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स पैरामीटर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट पे जिस भी पैरामीटर की बात कर रहे हैं उसका जो इंस्टेंट वैल्यू है वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड कहलाता है। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये 4 सेकंड है, 4 सेकंड के टाइम पर जो भी पैरामीटर की बात कर रहे हैं उसका जो इंस्टेंट वैल्यू होगा वही आपका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कोई भी एसी सिग्नल का एक पॉजिटिव हाफ में मैक्सिमम होता है और एक नेगेटिव हाफ में मैक्सिमम होता है। तो ये है, इट इज द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड इन एनी एसी सिग्नल। इट ऑकर्स इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज इन नेगेटिव हाफ साइकिल। किसी भी एसी सिग्नल में पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एक बार पॉजिटिव हाफ में भी मिलता है और एक बार नेगेटिव हाफ में भी मिलता है। तो जो भी उसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। तो जैसे कोई भी सिग्नल ले रहे हैं, ये मान लो साइन ऑफ ओमेगा टी है,
तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि अब जब हम लोग उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो पहले स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर मीन लेना है, मीन तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से लेकर के टी तक डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 पाई। तो ये हो गया मीन। रूट लेना है इस टोटल का, आप स्क्वायर रूट लगा दो। तो ये जो फंक्शन आएगा इसको आप क्या बोलोगे, आरएमएस वैल्यू। तो ये कितना आता है, आरएमएस वैल्यू आता है आई मैक्सिमम बाय √2। आई मैक्स मीन्स मान लो अगर ये करंट का ग्राफ है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैंने क्या लिखा, आई मैक्स, या फिर आप बोल सकते हो IM/√2। तो IM/√2 कितना आएगा, IM/√2 यानी कि 1/√2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.707 टाइम्स ऑफ IM। तो यहाँ से आप इसको और बोल सकते हो कि 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज IRMS वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि RMS वैल्यू क्या होता है, किसी भी AC सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका 70.7% क्या होता है, आपका RMS वैल्यू होता है, या फिर IM/√2। अगर करंट है तो IM/√2, वोल्टेज है तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यानी कि VM/√2। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब DC और AC में क्या फर्क है, DC में जैसे हमारा कोई भी चीज़ गिवन है कि 230 वोल्ट DC, 230 वोल्ट DC मीन्स जो भी आपका सप्लाई है ये जो गिवन है ये 230 वोल्ट है, ठीक है। AC में ये AC को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव टाइप का, ठीक है। ये ठीक, तो ये है 230 वोल्ट AC 50 हर्ज, ठीक है। 50 हर्ज लिख दिया मतलब ये AC है, या फिर यहाँ से सिग्नल से आप देख सकते हो कि ये AC है, ठीक। अब पहला चीज़ ये कि ये जो 230 वोल्ट DC है ये इसका क्या है, इट्स मैक्सिमम और कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम या फिर कांस्टेंट वैल्यू 230 वोल्ट, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये ऐसा है, मतलब जितने भी टाइम तक है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 230 वोल्ट। लेकिन जो आपका AC सिग्नल है ये जो 230 वोल्ट है तो ये 230 नहीं है, ये कितना है, VRMS=230 वोल्ट है। तो V मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 230 × √2, क्यों, क्योंकि VRMS क्या होता है, VMAX/√2। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो VRMS × √2, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगा लेकिन 230 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, 230 × 1.732, तो ये 230 से ज़्यादा ही होगा। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये आपका 230 × √2 होगा, लेकिन जो 230 वोल्ट AC है वो कहीं पे कम वैल्यू पे होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि DC में आप जो भी वोल्टेज डिनोटेड हो रहा है वो उसका एक्चुअल वोल्टेज है, वही उसका मैक्सिमम वोल्टेज है, लेकिन AC में जो इस टर्म से हम डिफाइन करते हैं वो होता है RMS से, हम लोग कभी भी मैक्सिमम से डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे आपके घर में 230 वोल्ट AC आ रहा है दैट मीन्स वो क्या है, RMS वैल्यू है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 230 × √2 है। तो हमेशा हम लोग उसको AC में RMS से ही डिफाइन करते हैं। तो RMS के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा AC सर्किट में कि 230 वोल्ट इज़ RMS वोल्टेज, वो हमेशा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, 230 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू
इज अप्लाइड इन एन एसी सर्किट। तो आपको खुद को समझना है कि वो 230 वोल्ट अप्लाइड जो बोल रहा है वो आरएमएस है। बाकी चीज़ों के लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज ये है, एवरेज वोल्टेज ये है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको जानना है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू मतलब पूरे साइकिल का एवरेज कितना है। तो यहाँ पर कंस्टेंट पे ये, यहाँ पर ये, तो ये जितने भी वैल्यूज आएंगे ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाले वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आ जाएंगे। मान लो ये है -5 +5, तो यहाँ उसका -5 होगा, ये +10 है तो यहाँ -10 होगा, ये +230 है तो इधर -230 होगा। तो एसी साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो आप इसको कैसा डिफाइन कर सकते हो, तो ये आपको हमेशा 0 मिलेगा, एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सो इट इज द एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड्स, इट इज द एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड्स ड्यूरिंग अ साइकिल, इट इज 0। नेक्स्ट है हमारा एसी सिग्नल में नया डेफिनेशन है फॉर्म फैक्टर। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आप बोल सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी सिग्नल। तो ये आरएमएस वैल्यू कितना, आरएमएस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, IM/√2। वैसे ही एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0.637 टाइम्स ऑफ IM। तो 1/√2 को आप क्या बोलते हो, 0.707 डिवाइड बाय 0.637, और ये जो आपका IM है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा फाइनली 1.11। तो फॉर्म फैक्टर एसी सिग्नल का कितना आएगा, 1.11। कहाँ से आता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू से। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, और पीक फैक्टर। ये क्या होता है, पीक फैक्टर, ये किसका रेशियो होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, मान लो करंट लिख रहे हैं तो IM, आरएमएस वैल्यू लिख रहे हैं तो IM/√2। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो IM कैंसिल हो जाएगा, √2 मिलेगा, यानी कि 1.414। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सिग्नल इज कॉल्ड की जरूरत नहीं है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सिग्नल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पीक फैक्टर, कितना आएगा, 1.414, और फॉर्म फैक्टर हमेशा 1.11 आएगा, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पार्ट कवर कर लिया। अब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि एसी सर्किट में हम लोग सीरीज सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी हेल्प कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।